दिल तू 47 तो चैनल तो सारे दा धन्नवादी हाँ और मेरे आए हुए मुख मेहमान जिहड़े साडे वीर जी ने ये अपना हांजी मैं इंदरजीत सिंह रंधावा कांग्रेस पार्टी दे नाल मैं संबंधित हाँ मेरे पिता जी सरदार संतोख सिंह रंधावा जिहड़े फॉर्मर मिनिस्टर फॉर्मर प्रेजिडेंट पंजाब प्रदेश कांग्रेस वो ने मेरे नाल मेरे वीर अर्जन सिंह जी जिहड़े बहुजन समाज पार्टी के इस इलाके के सिरकट लीडर ने उन्होंने लिए वह मेरे नाल ने इस वेले असी इत्थे जिहड़ा राय म्यूजिकल ग्रुप वाले आ उन्होंने जिहड़ा सभ्याचारक मेला करवा रहे इन्हों का दूजा सभ्याचार वीर जी मैं गल कर रहा भी तुसी इस सभ्याचारक मेले बारे की सोचते हो भी ये सानू मेले चाहिए ने या की है और जे राय ग्रुप वाले ने जो एरा आगे अगे अगे कदम चुकया कि ये किहो जिहा राय ग्रुप वाल ने जिहड़ा कदम चुकया एक बहुत ही शलाघा योग आ खास तौर के उत्ते ये उन्हों का दूसरा मेला वा और जिहड़ा ये राय हुणी जिहड़ा काम कर रहे ने जिहड़े साडियां पुराने साडे बजुर्ग जिहड़े सीगे वो आदमी जिन्हां दियां आवाज़ां दबियां पईयां सीगियां और राय हुणी इत्थे लिया के उन्हां आवाज़ां नूं उपर लिया रहे ने जिहड़े साडे कोई इहो जिहे आदमी जिन्हां दियां ढंड सारगियां जिहड़ियां वो सानूं सुणनी सी रहियां हैगियां राय ने वो लिया के हुण पुराने बजुर्गां नूं जिहड़े साडे कोई 80-90 साल दे आदमी सीगे उन्हां नूं लिआंदा सामने और लोकां सामने लिआंदा इन्हां ने जिहड़ा हुण कबड्डी कप कराया सी कल हुण जिहड़ा इह कबड्डी जिहड़ी सी इह पंजाब दी बड़ी बहुत पुरानी जिहड़ी खेड सीगी जिहड़ी कि अज दी जिहड़ी साडी जनता जिहड़ी उह कबड्डी कप नूं भुल चुकी आ जिन्हां नूं पता ही नहीं वी कबड्डी हुंदी की आ इन्हां ने कबड्डी कप करा के तुहाडे इस एरिए दे विच कबड्डी बारे जागरूक किया और तुसीं इस बारे की कहना चाहते हो कि जनता जिहड़ी आने वाली नवी जनरेशन है उहनूं की चाहिए कि इन्हां नूं कबड्डी दे विच आगे किहो जिहा करना चाहिए मैं इहदे बारे तुहानूं दस दिया कि इस एरिए दे विच जिहड़ा सब तो वड्डा कबड्डी कप जिहड़ा करवाउणा वह मैं करवाउणा वा साडा ग्रुप जिहड़ा हैगा असीं करवाउणे आ इत्थे और फ्रेंड्स ब्रिक जिहड़ा फ्रेंड्स साडा म्यूजिकल जिहड़ा साडा फ्रेंड्स कल्चरल जिहड़ी सोसाइटी आ उहदे वल्लों असीं करवाउणे आ कुराली दे विच हर साल असीं करवाउणे आ और उहदे उत्ते तकरीबन साडे कल्चरल दे लई जिहड़ा बेस्ट पंजाब दा फोक सिंगर हुंदा सी उहनूं वी बुलाउणे आ और जिहड़ियां पंजाब दीआं बेस्ट जिहड़ियां टीमां हुंदियां ने 8 टीमां असीं उहनां नूं इत्थे सद के 1.5 लाख रुपया साडा पहला नाम हुंदा वा 1 लाख रुपया साडा दूजा नाम हुंदा वा और जिहड़ियां पंजाब दे जिहड़े बेस्ट जिहड़े साडे हैगे ने अपने खिलाड़ी इत्थे आ के पंजाब तो अज कल आपां देखिया गया कि पंजाब दे विचों नहीं इंडिया तो बाहरों भी जिहड़ियां कबड्डी टीमां ने कनेडा तो आंदियां ने यूके तो आंदियां ने की तुसीं अज तक वो कनेडा और यूके दीआं टीमां नूं कभी अपने क्लब दे विच बुलाउण दी शिकर कीती साडी इह कोशिश आ कि असीं अगली वार तो खास तौर के उत्ते यू कैनेडा वालों तो यूके वालों और पाकिस्तान वालों असी अपने उन्होंने भी इधर लिया के असी इतने जोड़ा है इस एरिए और जोड़े साढ़े हम नौजवान साथी ने उन्हों का कबड्डी के वाले पासे ज़्यादा थोड़ा जहा होर ज़्यादा रुझान हो रहा वो इस करके हो रहा वा क्योंकि वो हम जो पहलों से कि सिर्फ वो पैसे से सिर्फ जी सा अपना क्रिकेट सीगी क्रिकेट सीगी लेकिन हुण उहदे विच वी हुण सानूं इहदे विचों जिहड़े साडे नौजवान आ जदों फॉरन दे देशां विच जांदे आ उहनां नूं पैसे मिलने शुरू हो गए देखो इदां ना जिहड़े जिहड़े साडे जिहड़े अज दे जिहड़े नौजवान ने जे उह कबड्डी खेडदे ने ते उहनां नूं नशे दा त्याग करना पैंदा असीं इह कबड्डी इसे करके करना चाहुंदे आ वी साडे जिहड़े अपने पुराने नौजवान जिहड़े सीगे जिहड़े कबड्डी खेडदे सी उहनां नशिआं नूं छड्ड के अपनी पूरी कीती कि तुसीं इह जागरूकता करना चाहुंदे हो वी कबड्डी दे विच आओ और नशा छड्डो कबड्डी ही नहीं नाल दे नाल जिहड़ियां होर गेमां है सानू उहनां नूं भी प्रमोट करना चाहीदा है जिस तरह मेरे वीर जी ने रंधावा जी ने दस्या जो कप शुरुआत इन्हां ने कीती है कबड्डी कप बड़ा सलाघायोग काम है मैं अज इस चैनल दे राहीं इन्हां नूं बेनती करदा भी कृपा करके जिहड़ा साडा इह टूरनामेंट हुंदा नाल दे नाल कल्चरल प्रोग्राम हुंदा इहनूं 2 दिनां दा करन दी लोड़ है क्योंकि जिहड़े साडे लोकल पिंडां दे नौजवान साथी हैं जिहड़े कबड्डी खेडदे आ उहनां नूं उहनां वड्डे टूरना विच जाण दा मौका नहीं मिलदा जे अगर इह 2 दिन दा टूरनामेंट होएगा तां पहले दिन जिहड़े इलाके दे छोटे लेवल ते कबड्डी खेल रहे वेट मुताबक खेलदे हैं उहनां नौजवान साथियों नूं भी मौका मिलेगा और उन्होंने बीच जिहड़ा निखार आऊगा वो आने वाले समय के बीच जिहड़ियां अकैडमियां हन उन्हां दे नाल उन्हां दे मैच हो सकणगे कि तुसीं इह नहीं चाहते जिस तरह कि साडे इत्थे क्रिकेट अकैडमी है टेनिस अकैडमी है कि इत्थे साडे कबड्डी की भी अकैडमी खोली जाए
ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ 40-50 ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਪੂਰੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਜਿੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 40 ਜਿੰਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ 247 ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ।